नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7.6 है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। तो हम थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है। ओके, एंगुलर मोमेंटम इज़ द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, जैसे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है ना, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एम मास का कोई बॉडी है और इसका एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना है जिसका लीनियर मोमेंटम पी गिवन है, एंड दिस इज़ द रेडियल वेक्टर आर वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर ये जो एंगुलर लीनियर मोमेंटम होगा ये मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर होगा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या फिर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लेंगे, तो यहाँ पर इस पी वेक्टर को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, है ना। ये हमने देखा पी वेक्टर को, दिस इज़ द पी वेक्टर, और इस पे यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ द परपेंडिकुलर 90 डिग्री, सो इट विल बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस पी वेक्टर। सो दिस एल विल हैव मैग्नीट्यूड पी इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब हम लिख सकते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम को अगर हमें डिफाइन करना है, एंगुलर मोमेंटम को हमको डिफाइन करना है तो एल वेक्टर इज इक्वल टू, या फिर एल मैग्नीट्यूड की बात करें, एल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये होता है। अब उन्होंने पूछा है कि शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पर हमने दो एक्सिस कंसिडर की है। ओके, एक एक्सिस एक्स एक्सिस और एक और एक्सिस हम कंसिडर करेंगे, दूसरा एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसे, इसे भी हम बोल्ड कर लेते हैं। इसे भी हमने बोल्ड कर लिया तो हमको क्लियरली विजिबल होगा। और कोई पार्टिकल अब मान लेते हैं वी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। तो यहाँ से अगर हम इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें, वी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी डिस्टेंस बी पर, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो एम वी परपेंडिकुलर इनटू बी होगा। ओके, जो कि चेंज नहीं होगा, रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ना तो बी चेंज हो रहा है, ना एल परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, ना ही मास चेंज हो रहा है, तीनों कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है।